एसयूवी बाजार में एक के बाद एक कारों को संवारा जा रहा है। पहले टोयोटा फॉर्च्यूनर आई, उसके बाद फोर्ड एंडेवर को निखारा गया और अब होंडा सीआरवी की चमक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बदली बदली सी फ्रंट ग्रिल, नई लुक वाली हुड, बम्पर का बदला डिजाइन, गोल मटोल फॉग लैंप्स, ये है होंडा की एसयूवी सीआरवी का नया अंदाज। वैसे तो पुरानी सीआरवी की भी ठीक ठाक बिक्री हो रही थी, लेकिन कंपनी ने इस कार को इसलिए भी उतारा कि डीजल एसयूवी का दबदबा कहीं बढ़ता ही ना चला जाए। जहाँ तक इस गाड़ी का कॉम्पिटिटिवनेस का सवाल है, ये गाड़ी बहुत यूनिक है, क्योंकि ये गाड़ी के जो कुछ यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं वो है इसमें जो कंफर्ट है वो एक प्रीमियम सेडान से कंपेयर कर सकते हैं। ये बदलाव ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों वेरिएंट्स में किए गए हैं। इंजन में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन अब ये कार क्रूज कंट्रोल के लग्जरी के साथ मिलेगी। बस एक स्पीड तय कीजिए और फिर ये कार अपने आप क्रूज करेगी, यानी आपको कुछ नहीं करना है, बस एक स्पीड तय करनी है, फिर आराम से बैठना है और सफर का मजा लेना है। स्टेयरिंग के ऊपर ये क्रूज कंट्रोल लगाया गया है जो सफर में वाकई आरामदायक साबित होता है। वैसे कार के अंदर के बदलावों की बात की जाए तो अब ये कार यूएसबी पोर्ट के साथ मिलेगी, क्योंकि आज के जमाने में गाने स्टोर करने का ये सबसे आधुनिक तरीका है। ऑडियो कंट्रोल्स और गियर नॉब पर क्रोम फिनिश दी गई है। डैशबोर्ड और सेंट्रल कंसोल की चमक थोड़ी बढ़ा दी गई है। बीच में लगा एलसीडी मीटर डिस्प्ले अब नीले रंग में कर दिया गया है। कार की साथ सज्जा के साथ ही आपके वैनिटी मिरर में भी अब रोशनी की सुविधा रहेगी। होंडा की एक खासियत है, ये कंपनी सुरक्षा पर खास तवज्जो देती है। इसके हर कार के हर वेरिएंट में एयरबैग स्टैंडर्ड होते हैं। सीआरवी में तो 6-6 एयरबैग्स लगाए गए हैं, जो कि अब जरूरी भी है। पहली वाली सीआरवी में सिर्फ 2 एयरबैग्स थे। वैसे ये कार पुरानी कार के मुकाबले अब लंबाई में भी 45 मिलीमीटर और बढ़ा दी गई है। हालांकि चौड़ाई और ऊंचाई वही है। पहले 7 स्पोक अलॉय व्हील थे, अब ये 10 स्पोक हो गए हैं। कंपनी की कोशिश यही है कि ये कार और आक्रामक और स्पोर्टी लुक दे। कार का दाम भी बदल गया है। मैनुअल सीआरवी अब करीब 22 लाख में मिलेगी और ऑटोमेटिक करीब 24 लाख रुपए की। और हाँ, साथ ही एक अहम बदलाव और भी है, अब ये कार सिर्फ कंफर्म्ड ऑर्डर्स के लिए ही इंपोर्ट की जाएगी, यानी इंतजार थोड़ा सा लंबा हो सकता है। पेट्रोल इंजन वाली कोई भी एसयूवी अभी तक इस कार को टक्कर नहीं दे पाई है, लेकिन फिर भी ग्राहकों को इंतजार है डीजल सीआरवी का, और ये इंतजार कुछ सालों में खत्म भी हो सकता है।